नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कर्क लगन व वृश्चिक राशि के लिए बकरी गुरु का प्रभाव। देव गुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री होने जा रहे हैं और वो 31 दिसंबर 2023 तक वक्री ही रहेंगे। गुरु के वक्री रहने का प्रभाव कर्क लगन व वृश्चिक राशि पर क्या पड़ेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं लगन व राशि दोनों से वीडियो डालती हूं। मेरा आज का कॉम्बिनेशन कर्क लगन व वृश्चिक राशि है। सबसे पहले हम समझें कि कर्क लगन व वृश्चिक राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है, इसके पहले भाव में 4 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कर्क लगन है। चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है 8 नंबर में, इसका अर्थ है आपकी वृश्चिक राशि। यानी आपका कॉम्बिनेशन अगर कर्क लगन व वृश्चिक राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। कर्क लगन में अगर हम बात करें तो देवगुरु बृहस्पति बनते हैं छठे भाव के स्वामी और भाग्य भाव के स्वामी, और अभी वर्तमान में वो आपके दशम भाव पर गोचर कर रहे हैं। जैसे ही गुरु वक्री होंगे वो भाग्य भाव की तरफ आ जाएंगे, इस तरह मान के चलिए कि कर्क लगन का भाग्य जो है स्वराशि का हो जाएगा। फिर गुरु की दृष्टि अपनी उच्च राशि पे लगन पर होगी और भाग्य भाव पर होगी। वृश्चिक राशि से बात करें तो वृश्चिक राशि में यह स्थिति है कि शनि महाराज जो वक्री चल रहे हैं वो भी पॉजिटिव है, और धन भाव और पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि अभी छठे भाव में चल रहे हैं मेष राशि में, वो जब 4 सितंबर को गोचर वक्री होंगे तो वो भी पॉजिटिव हो जाएंगे। यानी वृश्चिक राशि में गुरु और शनि दोनों का वक्री होना पॉजिटिव है। तो मेरा यह मानना है कि गुरु और शनि जो पॉजिटिव हो रहे हैं, गुरु वक्री हो रहे हैं और वो कर्क लगन और वृश्चिक लगन राशि, कर्क लगन और वृश्चिक राशि, वो कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जैसे गुरु के वक्री होने का बहुत अधिक फायदा हो रहा है। तभी आप देख रहे हैं मैंने परसेंटेज 72% लिखी है। यानी कर्क राशि को गुरु जो है भाग्य का, कर्क लगन को गुरु भाग्य का फल देंगे और वृश्चिक राशि को गुरु पंचम का फल देंगे। यानी दोनों त्रिकोणों पर गुरु का राज होगा। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है जब तक गुरु वक्री रहेंगे, 4 सितंबर से 31 दिसंबर तक। पहली बात, कैरियर में अगर आपने कुछ सोचा हुआ था तो उसके लिए इससे बेहतरीन समय नहीं मिलेगा। अगर आप जॉब बदलना चाहते हैं जॉब बदल सकते हैं। वर्तमान जॉब में आपके प्रमोशन की भी संभावना बनती है। गुरु क्योंकि कर्क लगन से भाग्य की तरफ आ रहे हैं तो आपको मिलेगा भाग्य का साथ, और गुरु की दृष्टि होगी आपके लगन पर अपनी उच्च राशि पर, तो होगी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि। कर्क लगन से भी गुरु आपके लगन को देखेंगे और वृश्चिक राशि से भी गुरु आपके लगन को देखेंगे। अगर लगन और राशि से दोनों से एक देव गुरु बृहस्पति आपके लगन और राशि को देख रहे हैं तो मान के चलिए कि उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके लिए पॉजिटिव जाएगा। गुरु क्योंकि नवम भाव की तरफ आ रहे हैं और नवम भाव से हम धर्म और धार्मिक यात्राओं का विचार करते हैं, तीर्थ स्थानों का विचार करते हैं, तो अचानक आपकी तीर्थ यात्रा होने की संभावना भी बनती है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि गुरु आपके षष्ठेश और नवेश के वक्री हुए हैं, और नवम भाव जो है पिता का लगन माना जाता है। नवेश के वक्री होने का अर्थ है पिता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता, इसलिए पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जो अपने विवाह के इंतजार में है उनका विवाह तय हो सकता है, और जो संतान प्लान करना चाहते हैं वो संतान प्लान कर सकते हैं। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अच्छा है, आपस में अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी क्योंकि पंचम और नवम भाव जो है दोनों एक्टिव हो रहे हैं। आपको अगर कहीं से धन आने का इंतजार था तो आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में। मैं फिर कहूंगी कि वृश्चिक राशि से वक्री गुरु व शनि दोनों ही शुभ है। आप देखेंगे कि 4 सितंबर के बाद धीरे धीरे आपकी काम की बाधाएं दूर होती जाएंगी, आपके काम को गति मिलेगी। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप कर्क लगन व वृश्चिक राशि के जातक हैं तो वक्री गुरु आपको 72% तक बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। बहुत शानदार परसेंटेज है जो बता रही है कि वक्री गुरु आपके लिए कितने फायदेमंद है। और बाय चांस अगर आपकी कुंडली में दशाएं बहुत शुभ हुई, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी चंद्र की, मंगल की या गुरु की, आपकी कुंडली में चंद्र मंगल या गुरु की दशाएं दशा चल रही होगी, तो मान के चलिए सोने पर सुहागा। ये 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक का समय आपके लिए बहुत शानदार जाने वाला है। तो अगर आपने वर्ष 2023 में कुछ भी सोचा हुआ था, व्यापार में कुछ नया काम करना था, आपको कैरियर में अपनी जॉब बदलनी थी, या आपको कुछ कोर्स ज्वाइन करना था, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई के बारे में कुछ नया करना था, अपने कैरियर का कोई ऑप्शन अवेल करना था, तो वो करने के लिए बहुत बढ़िया समय आया है। लगन से भी गुरु शुभ है और राशि से भी गुरु शुभ है। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कि वक्री गुरु का प्रभाव कर्क लगन और वृश्चिक राशि पर कैसा रहेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें जिससे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।